पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग से दौरान ही आपको बताने की पूरी रूपरेखा कल जब मंत्रियों की स्थिति साफ हो गई तो आज इन मंत्रियों को कौन सा मंत्रालय मिल रहा है ये भी स्थिति साफ हो चुकी है। बताते चलते हैं आपको एक एक करके मंत्रियों के विभागों का जो बंटवारा हुआ है उसमें किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है। चलिए एक एक करके बताते हैं आपको। तारकिशोर प्रसाद को वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मान लिया जाए कि जिस तरह से डिप्टी सीएम के तौर पर पहले सुशील मोदी इस विभाग को संभाल रहे थे वही संभाल रहे हैं। रेणु देवी को महिला कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। विजय चौधरी को ग्रामीण विकास मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और मंत्रालय का कामकाज सौंपा गया है। मेवालाल चौधरी को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले कृष्णनंदन वर्मा ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे, चुनाव हार गए थे और अब मेवालाल चौधरी के कंधों पर इस महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी। और एक एक करके बताते चलेंगे आपको कि कौन से मंत्री को किस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अशोक चौधरी भवन निर्माण विभाग, समाज कल्याण विभाग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। मंगल पांडे को मिला है स्वास्थ्य मंत्रालय, सड़क और परिवहन मंत्रालय। मंगल पांडे फिर से एक बार स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। मेवालाल चौधरी का हमने जिक्र किया, बता दी आपको, जानकारी दी। देखिए एक बार फिर से अशोक चौधरी वो चेहरा जो कि कई महत्वपूर्ण विभाग अब संभालेगा। समाज कल्याण विभाग की इनके पास जिम्मेदारी होगी, भवन निर्माण विभाग की पहले भी थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की भी जिम्मेदारी इनको दी गई है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की भी जिम्मेदारी अशोक चौधरी को ही दी गई है। हम लगातार आपको बताते रहे कि कोई भी विधायक चुनकर नहीं आया एनडीए की तरफ से। जेडीयू ने हालांकि अपनी करीब करीब 9 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को खड़ा किया था चुनाव में, लेकिन कोई भी जीत कर नहीं आ पाया। और फिलहाल कहा यह भी जा रहा था कि जो अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले एमएलसी हैं उनको यह जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो अशोक चौधरी को यह जिम्मेदारी मिली है। मैं गुजारिश करूंगा कि अगर इसके बाद अगले मंत्री की ग्राफिक्स प्लेट आ जाए तो थोड़ा और जानकारी दे दें। लेकिन चलिए बहरहाल हम जल्दी से एक बार और बता देते हैं। संतोष मांझी को लघु सिंचाई विभाग, शीला कुमारी को परिवहन विभाग, विजेंद्र यादव को ऊर्जा प्लानिंग विभाग, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स की भी जिम्मेदारी विजेंद्र यादव को है। मुकेश सहनी, जी हाँ, मल्लाह के बेटे, मत्स्य पालन और पशुपालन की जिम्मेदारी संभालेंगे। अमरेंद्र सिंह कृषि मंत्री के तौर पर काम करेंगे। प्रेम कुमार इससे पहले यह जिम्मेदारी देखा करते थे, लेकिन अब कृषि मंत्री की जिम्मेदारी अमरेंद्र सिंह के बाद। रामप्रीत पासवान पीएचडी विभाग महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये भी है। जीवेश मिश्रा पर्यटन विभाग देखेंगे। रामसूरत राय कानून मंत्री के तौर पर अपना कामकाज संभालेंगे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजनीश हमारे साथ और हमारे जी बिहार झारखंड के बिहार पॉलिटिकल एडिटर जेडीयू ऑफिस से शैलेंद्र भी जुड़ चुके हैं। सीधा पहले बात आप ही से शैलेंद्र, जिस तरह से विभागों का बंटवारा हुआ है पहली नज़र में क्या माना जाए, क्या पूरी तरह से ये कहें कि संतुलन खासतौर पर जेडीयू और बीजेपी में बना लिया गया है इस मंत्रालय के बंटवारे के साथ ही? जी बिल्कुल नवीन, संतुलन बना लिया गया है और संतुलन ही नहीं ये कहेंगे कि जो पहले की सरकार थी, पहले की जो स्थिति लगभग वही स्थिति है और वही विभाग हैं दोनों विभागों के पास, दोनों पार्टियों के पास। जो पहले जदयू के पास थे वो विभाग जदयू के पास ही हैं, जो बीजेपी के पास विभाग थे वो बीजेपी कोटि के मंत्रियों के पास हैं। जाहिर सी बात है अभी कम मंत्री हैं इसलिए विभाग जो हैं ज़्यादा हैं और एक एक मंत्री को कई कई विभाग दिए, कई महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। लेकिन जब मंत्रालय, जब कहें कि मंत्रिमंडल का दोबारा विस्तार होगा और दूसरा विस्तार होगा, उसके बाद जो है जो मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी, फिर मंत्रालयों की संख्या एक मंत्री के पास कम हो जाएगी। तो ये साफ तौर पे है कि इसमें बहुत बदलाव नहीं किया गया है। और जिस तरह पहले सहमति थी कि दोनों जो दल हैं वो उनके पास क्या क्या विभाग थे, वही विभाग अभी, चाहे आप शिक्षा की बात करिए जेडीयू के पास था वो जेडीयू विभाग कोटे के मंत्री के पास ही है, स्वास्थ्य की बात करिए कि वो बीजेपी कोटे के मंत्री के पास था बीजेपी कोटे के मंत्री के पास है, कृषि की बात करिएगा तो कृषि अभी जो है ये बीजेपी कोटे के पास था बीजेपी कोटे के पास ही है, अगर पथ निर्माण की बात करिए बीजेपी कोटे के पास था बीजेपी कोटे के पास भी है, अगर ग्रामीण विकास की बात करिएगा तो जेडीयू कोटे के पास था जेडीयू कोटे से अभी विजय कुमार चौधरी मंत्री है उनके पास विभाग है, भवन निर्माण की बात करिए तो आपने बताया अशोक चौधरी के पास है। तो तमाम जो विभाग हैं, तमाम विभागों का वैसे ही, जैसे शीला मंडल अगर हम कहें तो परिवहन विभाग उनके जिम्मे आया है, लेकिन जेडीयू कोटे के हैं तो पहले भी संतोष निराला के पास था, जेडीयू कोटे के मंत्री थे। तो ये कह सकते हैं कि विभाग जो है बहुत परिवर्तित नहीं। और एक चीज और देखने में खास ये है रविंद, की जिस तरह से वीआईपी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, उन्होंने भाजपा कोटे से चुनाव लड़ा था, इसी भी भाजपा कोटे के विभाग उनको दिए गए हैं। और ऐसे ही अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो उन्होंने जेडीयू कोटे से चुनाव लड़ा था, उनको जेडीयू कोटे के विभाग दिए गए। बिल्कुल, तो मैं रजनीश एक आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग, विजिलेंस और सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी जो कि पहले भी थी, और खासतौर पर
कयास लगाए जा रहे थे, चर्चा हो रही थी कि गृह विभाग की डिमांड बीजेपी की तरफ से हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने पास ही इस विभाग को रख रहे हैं। देखिए, इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर थी, लेकिन गृह विभाग जो है पहले से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पास ही रखते आए हैं, और जिस तरीके से अभी जो सूची सामने आई है तो उसमें सामान्य प्रशासन और गृह जो है और बाकी जो भी विभाग किसी दूसरे मंत्री को सुपुर्द नहीं किए गए हैं, उन सब की जवाबदेही जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास होगी, उनके वो अपने पास रखे हैं। तो ऐसे में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है विभागों का, एक तरह से देखेंगे तो जो मंत्री हैं जिनके जो तासीर है और जिनकी जो खासियत है और जिनकी जिस तरीके की रुचि है, अगर आप देखेंगे कुल मिलाकर जो 14 मंत्री और एक मुख्यमंत्री, तो उसमें आप देखेंगे कि उसी तरीके से जो पद है और जो विभाग सौंपे गए हैं उनका बंटवारा उस तरीके से हुआ है। हालांकि एक मंत्री के ऊपर कई कई विभागों का दायित्व जो है वो होगा, अतिरिक्त विभाग भी सौंपे गए हैं, चूँकि संख्या सीमित है, लेकिन जब विस्तार होंगे, चूँकि अगर बात करें जो स्ट्रेंथ की, 11 और मंत्री बीजेपी के कोटे से बनने हैं, जबकि 7 मंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री समेत जो 7 शपथ लिए हैं, तो जाहिर तौर पर हर एक मंत्री के ऊपर में 2-3 विभाग जो हैं उनकी जवाबदेही सौंपी गई है, और चाहे वो JDU हो या BJP हो, और जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो फिर उसे अलग किया जाएगा और उसके बाद जवाबदेही जो है वो सुचारू रूप से पूरा हो पाएगा। लेकिन अभी तत्काल तौर पे चूंकि विकास कार्यों को गति देने को लेकर ये जरूरी था कि मंत्रिमंडल का बंटवारा जो है वो जल्द हो और काम एक रजनीश जल्दी से जानना चाह रहा था आपसे, जैसा आपने कहा कि जिन विभागों की अभी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है, बंटवारा नहीं किया है, वो मुख्यमंत्री के पास रहेंगे, थोड़ा बता पाएंगे वो कौन कौन से विभाग हैं? देखिए, सामान्य प्रशासन है, गृह विभाग है, इसके अलावा यदि आप बात करें तो तमाम वैसे जो विभाग हैं उनकी जो सूची है मुख्यमंत्री खुद अपने पास रखे हैं, और इसके पहले भी अगर देखेंगे तो ये जो विभाग हैं ये खुद उनके पास ही रहे हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जो गृह का है और सामान्य प्रशासन है, कैबिनेट है, विजिलेंस है, इसके अलावा इलेक्शन एंड अदर्स जो डिपार्टमेंट है और जो किसी और दूसरे मंत्री को नहीं दिए गए हैं, ये भी विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। शैलेंद्र, तो अब जैसे कई ऐसे विभाग हैं जिनका बंटवारा जो है वो नहीं किया गया। शैलेंद्र, मुझे एक चीज़ बताइए कि कैबिनेट की मीटिंग के बाद आला अधिकारियों के साथ बैठक मुख्यमंत्री की हो रही है, कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, लग ऐसा ही रहा है कि छठ की तैयारियों को लेकर, और चूंकि 7 निश्चय पार्ट 2 की भी बात एक तरह से कहें कि लगातार चुनाव में मुख्यमंत्री ने रखी है, क्या उसी के इर्द गिर्द ये मीटिंग है, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या पूरा रोड मैप रहेगा अगले 5 सालों का? जी बिल्कुल रवीन, ये है जो कहें छठ है, अभी सबसे पहले तो छठ जो पर्व है, महापर्व कहा जाता है, इसकी तैयारी है, और दूसरी चीज़ जो अब 23 तारीख से फिर सत्र होना है उसको लेकर किस तरह से उसमें चीज़ें होनी, चूँकि उसमें सप्लीमेंट्री बजट आना है, राज्यपाल का अभिभाषण होना है, तो ये सब चीज़ें होंगी, और नई सरकार बनेगी, नई सरकार के बाद नई परिस्थितियाँ होंगी, तो उनमें जो पिछले कहें कि एक लंबा गैप रहा है अधिकारियों के साथ, एक जो बैठकों का दौर वो नहीं चल पाया था, तो जाहिर सी बात है ये महत्वपूर्ण बैठक है, और इसमें जैसा कि आपने कहा कि सबसे प्रमुख तो छठ ही होगा कि छठ महापर्व किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि 90 से ज्यादा घाट हैं कुल पटना में जहां पर छठ मनाने की तैयारी हो रही है, तो ये अपने आप में खास है आज की बैठक, और हम लोग देखते रहे कि मुख्यमंत्री लगातार जब पहले भी छठ का विशेष ख्याल रखते थे, कहें कि जो छठ से पहले निरीक्षण के लिए जाते थे, छठ के दिन भी वो जो अर्घ्य होता था उस दिन घाटों के निरीक्षण के लिए जाते थे, तो इसकी रूपरेखा भी बनेगी कि मुख्यमंत्री कब जाएंगे, कब घाटों को देखेंगे, वहां पर किस तरह की स्थितियां हैं, तो ये भी चीजें रहेंगी, और साथ ही जो सत्र शुरू होने वाला वो सत्र महत्वपूर्ण है, और चूंकि सरकार के को इसमें विश्वास मत भी हासिल करना है और सप्लीमेंट्री भी लाना है, और फिर राज्यपाल का अभिभाषण, उसमें क्या क्या मुद्दे रहे, क्योंकि 7 निश्चय पार्ट 2 की बात जिस तरह से सरकार की ओर से की गई है या कहें कि JDU की तरफ से की गई है, उसका भी एजेंडा सेट होना है, और 7 निश्चय पार्ट 1 में जिस तरह के काम बचे हुए हैं, क्योंकि एक बड़ा आरोप सरकार के ऊपर लगता रहा है कि जल नल योजना है, जो हर घर नल का जल है, वो जमीन पर नहीं उतरी है, और उसको लेकर एक दावे जो है एक प्रशासनिक स्तर पर कई तरह किए जाते रहे कि 80% से 85% ज़्यादा घरों में पानी पहुँच चुका है, शुद्ध पेयजल पहुँच चुका है, लेकिन अगर ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड रियलिटी
की अगर हम लोग देखें, जिस तरह से हम लोगों ने चुनाव के दौरान देखा, तो ये स्थितियाँ कम से कम जमीन पर होती नहीं दिख रही। तो इस पर एक चीज़ है कि ये किस तरह से इसको मंथन किया जाता है, किस तरह से इसकी चीज़ें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जोर अभी जो सरकार का था निश्चय पर था, और सबसे ज़्यादा जोर इसी पर था कि पानी जो है शुद्ध पीने का पानी मिले, क्योंकि पानी अगर शुद्ध पीने का मिलेगा तो 90% से ज़्यादा बीमारियां जो है जल जनित बीमारियां। साथ ही साथ इसमें कुछ रजनीश से भी चाहूंगा कि वो भी अपनी इनपुट इस मायने में दें कि रजनीश, मुख्यमंत्री ने लगातार चुनावी सभाओं में कहा कि कुछ काम अधूरे रह गए उनको पूरा करेंगे, कहीं कमी रह गई होगी उसको दुरुस्त किया जाएगा, और साथ ही साथ जब लगातार इस दौरान हमारी अलग अलग मंत्रियों से बातचीत हुआ करती थी तो वो भी कहते थे कि अब एक नेक्स्ट लेवल पर हम लेके जाएंगे, सात निश्चय तो होगा ही होगा, लेकिन जिसको बड़ा मुद्दा बनाया गया विपक्ष की तरफ से, यानी रोजगार, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, यहाँ पर एक तरह से कहें कि फूड यूनिट्स बनाना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाना, तो इसको लेकर भी एक बड़े पैमाने पर प्लानिंग होगी, क्योंकि देखिए ये तो लगता नहीं कि ज़्यादा प्रशासनिक मशीन में फेरबदल होगी, क्योंकि ये अच्छी खासी ट्विनिंग लगातार चलती रही है, तो ट्रांसफर ज्यादा नहीं होंगे, कोई नई भर्ती तो होनी नहीं किसी सचिव की या किसी और अधिकारी की, लेकिन एक बड़ा रोडमैप एक बड़े लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी। देखिए, मौजूदा सरकार के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। इसके अलावा जो फीडबैक मिले हैं और जिस तरीके का जनता ने जो अपना मत दिया है और जो परिणाम दिए हैं, इसको लेकर भी चुनौतियां हैं। साथ ही साथ विपक्ष बहुत मजबूत है, ऐसे में चाहे वो सदन की बात हो या फिर उसके बाहर की बात हो, मूर्त रूप देना किसी कार्य योजना को इसकी बात हो, और जो फीडबैक मिले हैं चुनाव में जो आम जन के बीच जाने के बाद, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में सरकार और साथ ही साथ जो चार घटक दल हैं NDA के, उनको साथ लेकर चलने की भी चुनौती है, और जो मैजिक फिगर से बहुत ज़्यादा ऊपर नंबर नहीं है, ऐसे में एक साथ लेकर चलने की जवाबदेही अगर छोटे दल अगर किसी बात को रखते हैं या किसी बात को लेकर वो आवाज़ उठाते हैं, तो उन बातों को सरकार को सुनना पड़ेगा। तो ऐसे में एक चुनौती जो है वो सामने है। बेरोजगारी की बातों को लेकर जिस तरीके से एक हवा सी उठी थी और चुनाव में जो रंग देखने को मिले थे, इसको लेकर भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से युवाओं को वो संतोषजनक अपनी ओर से जवाब दे पाएंगे, और जो वादे दावे किए गए हैं उसकी भरपाई किस तरीके से होगी। तो एक बड़ी चुनौती है। शीतकालीन सत्र छोटा सत्र है, 23 से 27 तारीख का, हालांकि इसमें प्रथम जो द्वितीय अनुपूरक है वो भी रखे जाने हैं, और तमाम जो काम काज है जो बचे रह गए हैं उसको पूरा करना है। तो बहरहाल सदन के अंदर भी चुनौती होगी और सदन के बाहर आम जनों के प्रति जो जवाबदेही जिम्मेदारी है, जो ऑब्लिगेशन है, जिस तरीके से उम्मीद लोगों ने जताई है, उन बातों को पूरा करने को लेकर भी सरकार की जवाबदेही जिम्मेदारी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर नई सरकार है, नई जिम्मेदारी है, तो नए तरीके से काम काज भी होगा और नई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनीश, मैं धन्यवाद आपका भी साथ ही साथ करना चाहूँगा शैलेंद्र।